Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight. Thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you ask my name, I सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। आज सामने खड़ी हुई है मेरे बजाज की न्यूली लॉन्च्ड पल्सर NS400Z रेड कलर के अंदर, और ये इसके अंदर देखो कि दूसरा कलर आता है वो। तो अब यहाँ पे भाई एक कन्फ्यूजन बनना बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है, मतलब एक कन्फ्यूजन बन रही है बहुत सारे लोगों के दिमाग में कि बाइक खरीदें तो कौन सी खरीदें, NS200 खरीदें, NS400 खरीदें। तो मैंने कहा आज आप लोगों के लिए ना कंपैरिजन बनाते हैं कि अगर आप NS200 खरीदते हो तो बजाज क्या दे रहे हैं, क्या पैसे ले रहे हैं, NS400 खरीदते हो तो बजाज क्या दे रहे हैं, क्या पैसे ले रहे हो। हालांकि कंपैरिजन इन दोनों बाइकों का कोई नहीं है, क्योंकि ये 200cc की है, 400cc की है, सीधा डबल है। पर अगर कहीं ना कहीं पर अगर प्राइस की बात करी जाए ना, तो प्राइस को देखते हुए थोड़ा मद्देनजर रखते हुए थोड़ा बहुत कंपैरिजन आ जाता है। वो कैसे, अगर आप NS200 खरीदने जाओगे इंडियन मार्केट के अंदर, एक 200cc की बाइक जो लगभग कॉस्ट करेगी दिल्ली के अंदर, जिस शोरूम पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, यहाँ की डिटेल्स मिल जाएगी नीचे, तो ये कॉस्ट करेगी यहाँ पे लगभग आप लोगों का 185,000 के आसपास आपकी लगभग ये कॉस्ट करने वाली है, 180,000-185,000 रुपये की आएगी। अगर आप वहीं पे इसको खरीदने जाओगे NS400Z को, तो ये आप लोगों की ऑन रोड आ जाएगी लगभग 223,400 कुछ रुपए की, तो मतलब 224,000 रुपए की आप इसको लगा लो, तो 185,224। अब जब होता क्या है भाई, जब हम अपनी लाइफ में बाइक लेने जाते हैं तो हमें पता है कि भाई मेरा 200,000 का बजट होता है। किसी का भी ऐसा तो होगा नहीं कि मेरा 185 का बजट होगा। मोटा मोटा अगर आपका 200,000 का बजट है और अगर 10-20,000 रुपये स्ट्रेच करके आपको सीधा 200 से 400cc की बाइक मिल जाए, तो कैसा ऑप्शन है? ये एक पॉइंट बन सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए, मतलब जो भी लेने वाले रहेंगे। तो इसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो आप लोगों के लिए बनाने का प्लान करा था, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे कि भैया इनमें से कौन सी ले। तो मैंने कहा चलो एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो ही कर देते हैं, तब आपको और अच्छी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले देखो, अगर मैं आपको चाबियाँ दिखाऊँ दोनों ही बाइक्स की, तो इन दोनों चाबियों को देखने के बाद और जब तक आप बाइकों के अंदर नहीं लगाओगे, कुछ इधर से दिखाता हूँ, जब तक आप बाइकों के अंदर नहीं लगाओगे आप नहीं बता सकते कौन सी NS200 की है, कौन सी NS400 की है। इट मीन्स दोनों का जो लॉक सिस्टम है वो सेम रहने वाला है। तो इसके अंदर आपको वेव की देखने के लिए मिलेगी NS200 के अंदर भी और NS400 के अंदर भी। तो दोनों ही बाइकों के अंदर यहाँ पे आपको वेव की देखने के लिए मिलने वाली है। नंबर वन चीज़, डिफरेंसेस इतने सारे रहने वाले हैं दोनों बाइकों में, आपको मज़ा आ जाएगा। आप कहोगे प्रीत भाई मज़ा सा आ गया, NS400 की अगर चाबी ऑन करोगे और NS200 की चाबी ऑन करोगे, तो भाई NS200 के अंदर कुछ आपको ऐसे बिजली वाले आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं DRLs। NS400 में जाओगे तो DRLs का साइज इतना ह्यूज कर देते हैं ये भाई, इतने भाई मैं आपको क्या बताऊँ, ये इतने ज़्यादा ब्राइट DRLs रहते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। अगर आप इधर देखोगे ना NS200 के सामने, अगर मैं NS400 की बात करूँ ना, आप लोग खुद देख लो NS200 के ना DRLs की अगर बात करी जाए, तो इसकी ब्राइटनेस हाफ है, इसकी ब्राइटनेस डबल है। इसके जो DRLs है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। अब जो फ्रंट की लुक है, चाबी बंद करता हूँ, अगर फ्रंट की लुक की बात करी जाए, फ्रंट की लुक देखो थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, किसी को NS400 पसंद आ सकती है पर किसी को NS200 भी पसंद आ सकती है, तो किसी को NS200 भी पसंद आ सकती है तो NS400 भी पसंद आ सकती है। चॉइस आप लोगों की रहने वाली है, चॉइस इज टोटली योर्स। आप लोगों को इनमें से कौन सी कंसिडर करनी है आप लोग कोई भी कर सकते हो, पर्सनली लुक्स आप लोगों के सामने देख लो। कंपैरिजन की अगर यहाँ पे बात करता हूँ, तो अगर आप लोग कंपैरिजन करोगे तो आपको इसके USDs के अंदर डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। अब आप एक चीज़ समझ के चलना पूरी वीडियो में स्टार्टिंग से ही, 185 देने के बाद आप लोगों को अगर उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा पे करते हो लगभग 224, मतलब एक्स्ट्रा कितने हो गए 15,000 वो हो गए आपके, और 25,000-24,000 वो हो गए आपके। मोटा मोटी अगर बात करी जाए, आप लोग 50,000 रुपये एक्स्ट्रा ऊपर पे करते हो, तो आपको बजाज वाले 200cc से 400cc का इंजन तो देंगे, उसके अलावा आप लोगों को क्या कुछ देने वाले हैं। नंबर वन, गोल्डन कलर के USD फोक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। डेफिनेटली जो सस्पेंशन देखो सामने क्लियर कट नज़र आ रहा है, NS400 की जो सस्पेंशन का साइज़ है काफ़ी बड़ा है, और डेफिनेटली इसकी जो सस्पेंशन का साइज़ है ये छोटा है। इसके अंदर थोड़े पतले सस्पेंशन रहने वाले हैं एज कम्पेरिजन टू NS400, 200 में पतले, 400 में ब्रॉड है। नेक्स्ट चीज़ जो कंपैरिजन वाली है, इसके अंदर जो लाइट है देखो, इसमें रिफ्लेक्टर बेस्ड लाइट है, और इसके अंदर आप लोगों को प्रॉपर प्रोजेक्टर देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर आप लोगों को लो बीम हाई बीम इंटीग्रेटेड मिलती है। बट अगर कंपैरिजन की अगर मैं बात करूँ एक बार आप लोगों के लिए, देखो मैं चाबी ऑन करके ना आपको सामने दिखा देता हूँ कैमरा क्या कहता है क्या नहीं कहता, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। देखो ये भाई मैंने NS की लाइट ऑन करी है, ये कुछ NS की लाइट का रिस्पांस रहने वाला है। आप लोग अपने सामने चेक करो, ये मैंने जूम कर दी, ये हो गई भाई NS की लाइट, ठीक है, NS मतलब NS200 की। ओहो ये तो भूल ही गया बताना। अब भाई मैं ऑन करूंगा आप लोगों के लिए NS400 की लाइट, ये NS400 की है। अब भाई आप लोगों को डिफरेंस ना खुद समझ में आ गया होगा
NS 200 की लाइट कैसी है, NS 400 की लाइट कैसी है। लाइट्स में अगर कंपैरिजन की बात कर लिया तो मुझे जो लगता है इसकी लाइट थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइट होने वाली है NS 200 से, क्योंकि इसके अंदर भाई प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर 250 में भी आता है। मैंने 250 के काफ़ी ओनर से इस लाइट का फीडबैक पूछा तो सब लोग कहते हैं बहुत ज़बरदस्त लाइट है। तो सेम यूनिट है तो इसके अंदर भी आप लोगों को लाइट के अंदर डेफिनेटली मजा आएगा, कोई कमी पेशी नहीं लगेगी। मडगार्ड की अगर बात कर जाए तो मडगार्ड का डिज़ाइन ऑलमोस्ट आप लोगों को सिमिलरली देखने के लिए मिलेगा। ये थोड़ा सा रफ है, इसके ऊपर कोई डिज़ाइन एलिमेंट नहीं है, इसके ऊपर फेक कार्बन फाइबर का डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है। डुअल चैनल ABS की ब्रांडिंग आपको दोनों के अंदर मिल जाती है। एलॉय व्हील की अगर डिज़ाइन की बात करी जाए तो एलॉय व्हील का जो इसका डिज़ाइन है सेम है, वही सेम डिज़ाइन इसके अंदर मिलता है। बट फ़र्क क्या जाता है आप लोगों को जो आप थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो, इसके अंदर जो फ्रंट के अंदर टायर है 110 सेक्शन का देखने के लिए मिलता है, 110 सेक्शन का इसके अंदर फ्रंट का टायर है। इसके अंदर जो फ्रंट का टायर है आप लोगों को 100 सेक्शन का देखने के लिए मिलेगा, 187/17 इसके अंदर 110/70/17 रहेगा, 110/70/17/180/17 तो ऐसा कुछ इसके अंदर टायर साइज रहेगा, ऐसा कुछ इसके अंदर टायर साइज रहने वाला है। तो डेफिनेटली NS 400 के अंदर आप लोगों को टायर बड़े देखने के लिए मिलेंगे। एंड सेकंड चीज़ की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ग्रैमिका की ब्रेकिंग तो आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगी NS 200 में भी और NS 400 में भी। बट इसके अंदर आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करने पे यहाँ पे देखो यूजलेस मेटल जो होता है वो नहीं मिलेगा, यहाँ पे वेट रिडक्शन करा गया। और जो ये प्लेट है इसका साइज भी इसके अंदर बड़ा है, और उसके अंदर जो डिस्क ब्रेक की प्लेट का साइज है अगर साइड बाय साइड दोनों को कंपेयर करते हो तो देखने में तो थोड़ा बहुत सिमिलर सा ही लग रहा है। बाकी जो डिटेल्स होंगी जो मतलब वो होंगी इनकी एक्यूरेट यूनिट जो होगी वो मैं यहाँ लिख दूंगा। मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है शायद क्या पता इसका थोड़ा बहुत बड़ा हो, मुझे जो ऐसा लग रहा है, बाकी ऑलमोस्ट सेम लग रहा है। ग्रैमिका की ब्रेकिंग है दोनों के अंदर, फ्रंट में डुअल चैनल ABS है, वो सारी चीज़ें कंप्लीटली सेम है, उसके अंदर कोई डिफरेंस वगैरह यहाँ पे नहीं रहने वाला है। यहाँ पे आप लोगों को रेडिएटर देखने के लिए मिलेगा, फैन सेटअप इसके अंदर यहाँ पे, उस वाली के अंदर वहाँ पे, सेम ही चीज़ है, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। अब भाई जो एक मेजर बहुत बड़ा डिफरेंस आता है दोनों ही बाइकों के अंदर, जो भाई आप लोगों को मतलब ऐसा रहने वाला है ड्रास्टिक डिफरेंस, वो है भाई इंजन्स। इसके अंदर आप लोगों को 200cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने के लिए मिलता है NS के अंदर, 24.5 BHP या फिर वही लगभग जो 24 BHP की पावर निकालता है वो वाला है। यहाँ पे आप लोगों को डोमिनार से सोर्स करा हुआ इंजन देखने के लिए मिलेगा जो कि NS 400 के लिए ट्राइड एंड टेस्टेड है। यहाँ पे आप लोगों को 24 BHP मिल रही है, यहाँ पे सीधा 40 BHP की पावर इंक्रीज हो जाती है, 24 BHP 40 BHP 40 BHP 24 BHP। अगर रियल लाइफ में अगर मैं बात करूँ इन दोनों को ड्राइव करने के बाद या इन दोनों की राइड क्वालिटी की, इन दोनों की पावर परफॉर्मेंस की, नोटिसेबल डिफरेंस है NS 200 में और इसमें। ऐसी कोई बाइक नहीं है भाई आप लोगों को पहली बात तो 400cc में जो इस रेट पर मिल जाए, और ऐसी भी कोई बाइक नहीं जो आपको NS 200 जैसी इस प्राइस ब्रैकेट में मिल जाए। दोनों बाइक के सेगमेंट के अंदर प्राइस के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में किलर है, किसी को हाथ नहीं आने देते हैं, अपने सेगमेंट में बढ़िया चलती हैं, ठीक है। हालांकि ये अभी अपने सेगमेंट में बढ़िया चलते हैं, पर रेट के हिसाब से जब इसे कंपेयर करोगे ना तो भाई ये बेस्ट है। इंजन का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, बाकी अब थोड़ा सा साइड प्रोफाइल से अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो आप लोगों को काफ़ी हद तक साइड प्रोफाइल में दोनों बाइकों में सिमिलरिटीज़ देखने के लिए मिलने वाली हैं। कुछ ऐसी साइड प्रोफाइल NS 400 की है, अंडर बैली वाला एग्जॉस्ट इसके अंदर रहने वाला है। NS 200 की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो इसकी भी साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी सिमिलर है, इसमें भी अंडर बैली वाला एग्जॉस्ट है। बट अगर डिफरेंस की बात करिए तो ग्राफिक्स में तो है ही डिफरेंस, बट उसके अलावा जो मेजर डिफरेंस है आप जो इसकी ये देख रहे हो ना, ये वाला टैंक तो दोनों बाइकों में सेम है, बट जो ये पोर्शन है इसका जो डिज़ाइन एलिमेंट है ये आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से थोड़ा चेंज है, ये पोर्शन इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। वहीं पर अगर NS 200 के अंदर देखोगे तो ये थोड़ा सा स्ट्रेट सा रहने वाला है, और नीचे का पोर्शन अगर देखोगे तो वो भी इसका हल्का सा डिफरेंट है। हालांकि इसके अंदर NS की ब्रांडिंग यहाँ पर रहती है, उसके अंदर 200 की ब्रांडिंग वहाँ पर रहती है, तो ऐसे करके डिफरेंस है। बाकी दोनों बाइकों के अंदर पीछे यहाँ पे NS 200 मिलेगा लिखा हुआ, इसमें NS 400Z लिखा हुआ मिलेगा। सीट्स का डिज़ाइन कम्प्लीटली सेम है, तो सीट दोनों के अंदर सेम सिमिलर है। ये वाला जो एलिमेंट है ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है। इसके अंदर एक मुझे लगता है कि माइनर था जो नीचे है ये हल्का फुल्का चेंज है शायद से, वो बिल्कुल ना के बराबर था, है भी और नहीं भी पता भी नहीं चलेगा। अब भाई देखो दोनों बाइकों को थोड़ा सा आपको टेल सेक्शन दिखाता हूँ, मैंने दोनों की चाबियाँ ऑन करी है। ऐसा कुछ भाई NS 400Z का आप लोगों को पीछे लाइट्स मिलेंगी, ये इंडिकेटर होगा LED, इसमें लाइसेंस प्लेट भी आपको LED देखने के लिए मिलती है। 50,000 एक्स्ट्रा दिए तो वो यहाँ पे है, इसके अंदर देखोगे तो ये LED मिलेगा, इंडिकेटर्स LED मिलने वाले हैं। पर ये वाली लाइट जो है ये हेलोजन रहती है, नीचे से भी देख लो और ऑन करके भी देखोगे तो ये हेलोजन रहती है, अगर मैं बोल रहा हूँ तो मान लो। और उसके अलावा अगर आप लोग पीछे देखोगे तो इसके अंदर भाई टायर का बहुत बड़ा फर्क है, इसमें 130 सेक्शन का नॉन रेडियल टायर आता है। पर्सनली बताऊँ तो इसकी ग्रिप इतनी कोई खास नहीं है, बट इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करी जाए तो इसके अंदर आप लोगों को देखो टायर प्रोफाइल बहुत अच्छी दे रहे हैं बजाज वाले। 17 इंची का टायर है दोनों के अंदर, बट इसमें पीछे का जो रियर टायर है वो आपको रेडियल देखने के लिए मिलता है, एंड प्लस जो टायर की प्रोफाइल है वो 1 इंच बड़ी है, वो मतलब वो 130 सेक्शन है, ये 140 सेक्शन है। देखो टायर का तो डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया, उसके अलावा दोनों बाइक्स के अंदर आप लोगों को मेटल का स्विंग आर्म देखने के लिए मिलने वाला है। पर देखो इसमें एक चीज़ का डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, NS 400 के अंदर साइड से ना थोड़ी नीट एंड क्लीन लुक आती है,
यहाँ से अगर आप इस एंगल से देखोगे तो आप लोगों को पूरा क्लीन दिखेगा, और इसका जो ये पीछे का टायर अगर है ना, ये एक ही साइड कनेक्टेड है। बट NS की अगर बात करिए तो NS के अंदर ये दो दो कवर आते हैं और देखने में, बट ये वाला यहाँ पे थोड़ा सही है, वन साइडेड कवर है, उधर बड़ा सा सारी गार्ड आपको देखने के लिए मिल जाता है। और इसके अंदर आप लोगों को देखो कुछ ऐसा सिस्टम देखने के लिए मिलता है, ये ऐसा कुछ सारी गार्ड देखने के लिए मिलता है, पूरा प्रॉपर ये रहता है। टैंक्स अगर देखोगे दोनों बाइकों के आपको सेम से ही लगेंगे देखने में, इस एंगल से देखो, इसके अंदर आप लोगों को एक कंपनी फिटेड मिलता है, और इसके अंदर देखोगे तो ये भी सेम से ही लगेगा। बट हाँ भाई, जो बड़ा डिफरेंस आने वाला है वो आएगा भाई दोनों बाइकों के अंदर, यहाँ से चाबी मैंने दिखाई सेम है, ये मैं कर देता हूँ मीटर बंद, और इसका अगर मीटर ऑन करोगे तो भाई कुछ ऐसा रहने वाला, नेगेटिव डिस्प्ले जो रहती है वही वाली है इसके अंदर। तीन चार अलग अलग कलर की लाइट आती है, जैसे कि किल स्विच ऑफ है तो रेड ब्लिंक कर रही है, किल स्विच ऑन कर दूंगा तो रेड ब्लिंक करना बंद कर देगी। किल स्विच ऑन करने पर ऐसा मीटर है, न्यूट्रल वगैरह आता है इसके अंदर। और एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, NS200 में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दे दिया, नेविगेशन भी आता है 10x10, लेट्स राइड, और काफ़ी सारे फीचर्स के अंदर आपको मिल जाते हैं देखने के लिए, तो वो सारी चीज़ों से इसके अंदर ये लेस रहने वाली है। ये यहाँ पे M4 मोंकी का बटन है, मतलब ये मोड का बटन है, सब इसे टॉगल कर सकते हो, सिंस रिफिल हो गया या बाकी सारी चीज़। सॉरी, इसमें मोड से टॉगल नहीं होता है, इसमें इन बटन से टॉगल होता है, NS200 है ना, ये N250 में होता है उस बटन से टॉगल। ये रियल टाइम माइलेज वगैरह, मतलब जितनी बेसिक चीज़ होते हैं वो सब आते हैं यहाँ पे। और अगर इसे खोलोगे तो यहाँ पे आपको एक चार्जिंग ऑप्शन मिल जाता है। साइड की असेंबली जो है, साइड की यूनिट जो है कुछ ऐसी है, वो भी हाई बीम इंटीग्रेटेड मिल जाती है, ऐसा कुछ NS रहता है। और उसके अंदर आप लोगों को क्लिप ऑन्स देखने के लिए मिलते हैं, स्टार्ट करने का लाइट ऑन ऑफ करने का बटन है, किल स्विच है, सेल्फ का बटन आप लोगों को अलग अलग देखने के लिए मिलता है। इसका हैंडल जो है काफ़ी ज़्यादा छोटा और काफ़ी कॉम्पैक्ट लगता है। बट इस वाली की अगर मैं बात करता हूँ NS400 की, तो भाई NS400 के अंदर एक चीज़ बहुत बढ़िया लगती है, बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ भाई, 400cc की थोड़ी बाइक बढ़ी है, तो इसका जो हैंडल बार है वो थोड़ा सा ब्रॉड है, थोड़ा सा आपको लंबा देखने के लिए मिलने वाला है। इसके अंदर जो ये हैंडल बार की ग्रिप और जो हैंडल वेट है थोड़ा सा बड़ा है, इसके अंदर हैंडल बार और ये थोड़ा सा छोटा लगता है। लीवर्स की अगर बात करी जाए, इसके अंदर एडजस्टेबल देखने के लिए मिलते हैं, इसके अंदर आप लोगों को नॉर्मल लीवर्स देखने के लिए मिलते हैं, उसी के साथ साथ 5-level एडजस्टमेंट आती है। मिरर्स की बात करी जाए तो इसके अंदर डोमना 400 जैसा मिरर है, थोड़ा सा प्रीमियम लगता है NS के मिरर के सामने, 200 के सामने देखोगे तो ये मिरर आपको थोड़ा प्रीमियम लगेगा। इसके अंदर इंटीग्रेटेड हज़ार देखने के लिए मिलता है, वो चीज़ NS200 के अंदर मिसिंग है। इसमें इंटीग्रेटेड सेल्फ का बटन आता है, किल स्विच आता है, वो चीज़ आपको इसके अंदर डेडिकेटेड देखने के लिए मिलती है। इधर की जो असेंबली है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, बट ये चार बटन छोड़ के इसमें भी आपको लो बीम हाई बीम इंटीग्रेटेड मिलती है, और ये सारे बटन जो है कुछ उसमें वैसे ही रहते हैं। और इसमें उसमें मोड का बटन रहता है, बट इसके अंदर ये चार बटन रहते हैं, इन सब से टॉगल करते हो। USB चार्जिंग आपको इसके अंदर भी देखने के लिए मिल जाती है। चाबी ऑन करने के बाद भाई, इसके अंदर आप लोगों को कलर TFT स्क्रीन देखने के लिए मिलती है, जिसमें साइड में अलग से एक स्क्रीन दे रखी है। नेविगेशन वगैरह तो आप लोग इसके अंदर भी ऑब्वियसली चला ही सकते होंगे, साइड स्टैंड की वार्निंग आती है, कलर स्क्रीन है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे DRL हो गया, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने के लिए मिलता है, और NS में जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं आता। आप लोग चेक करो एक बार, अगर ट्रैक्शन कंट्रोल होता तो ट्रैक्शन कंट्रोल की यहाँ पे वार्निंग आती है, तो इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता है, बट इस वाली के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है। तीन अलग अलग राइडिंग मोड्स भी देखने के लिए मिलते हैं, तो वो चीज़ भी मुझे लगता है NS200 के अंदर नहीं है। इसमें किसी भी तरीके का कोई राइडिंग मोड नज़र नहीं आ रहा है, तो NS200 में राइडिंग मोड देखने के लिए नहीं मिलते हैं, राइडिंग मोड उसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। इसमें चार अलग अलग राइडिंग मोड है, किल स्विच ऑन, अच्छा रिफिल की वार्निंग आ रही है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, मेक श्योर आप लोग वो जाके चेकआउट कर लेना। इसमें बहुत कुछ है, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइडिंग मोड वगैरह, वार्निंग वगैरह बहुत कुछ मिलता है इसके अंदर। यहाँ फ्यूल, यहाँ पे टाइम, ऊपर RPM, न्यूट्रल और ये सारी चीज़ें। साउंड की भी अगर बात करी जाए तो भाई 400cc की बाइक का साउंड उससे ज़्यादा अच्छा करती है, थोड़ा प्रीमियम साउंड करती है। एंड इसके अंदर जो हैंडल बार है वो स्ट्रेट है, इसके अंदर जो हैंडल बार है वो आपको क्लिप ऑन्स देखने के लिए मिलते हैं। आपको कौन सा अच्छा लगता है कमेंट करके बताना। इस बाइक के अंदर आप लोगों को स्लीपर क्लच भी देखने के लिए मिलता है, NS200 के अंदर आप लोगों को स्लीपर क्लच मुझे तो नहीं लगता आता, बाकी आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। उसके अलावा अगर आप लोग देखोगे तो इसके अंदर जो आप लोगों के लेग गार्ड हैं थोड़े से बड़े हैं साइज में, इसके अंदर जो लेग गार्ड है वो थोड़े से छोटे हैं साइज में। आप देख रहे हो आपका भाई किस लेवल पर कंपेरिजन कर रहा है, हर एक छोटी चीज़। इसके भी बटन के अंदर इल्यूमिनेटेड लाइट आती है, इसके भी अंदर बटन के अंदर इल्यूमिनेटेड लाइट आती है। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द बाइक। NS400 की आवाज़ सुनो पहले। ऐसी कुछ साउंड है NS400 की, अब 200 की सुन लो। आवाज़ तो भाई इसकी भी अच्छी है, इसकी भी अच्छी है। तो मैं पर्सनली आप लोगों को एक बढ़िया वाला सजेशन दूंगा,
अगर आपको ये है कि भाई अभी आपको बाइक खरीदनी है, लॉन्ग टर्म रखनी है, और आपको ये है कि भाई देखो डेली डेली चीज नहीं ली जाती, थोड़ा सा बजट अगर स्ट्रेच कर सकते हो तो मेरी तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी आप एन एस 400 की तरफ जाओ। हालांकि देखो एवरेज की अगर बात करी जाए, थोड़ा सा आपको एन एस 400 के अंदर ना एवरेज इससे कम देखने के लिए मिलेगा, बस ये एक आप उसका डाउनसाइड कह सकते हो, वरना बाकी वो हर चीज़ में एन एस 400 से बेहतरीन रहने वाली है, हर चीज़ में एन एस 400 से आपको बेस्ट लगने वाली है। बाकी देखो एवरेज भी थोड़ी सी मैं कहूँगा आपके चलाने के ऊपर, अगर कोई बंदा इसी बाइक को बहुत हार्ड एंड फास्ट चलाएगा तो ये भी 30 तक की एवरेज दे देगी, उस बाइक को कोई बहुत प्यार से चलाएगा तो 28-30 की एवरेज वो भी दे देगी। तो डिपेंड करता है भाई आप चला कैसे रहे हो, ये सारा खेल है आपकी ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर, आपके राइडिंग स्टाइल के ऊपर, और उसके अलावा तो सब कुछ बाइकों के अंदर मैंने आपको कंपेयर करके दिखाई दिया, और कुछ तो रहा नहीं होगा, रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ, आप लोग उसके ऊपर कमेंट कर देना, जिस भी बाइक के बारे में पूछना होगा वो चीज़ मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ प्रीत। और ऐसा कुछ कंपेरिजन था, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ को एक लाइक करके जरूर जाना।